सो हेलो पोकेफैंस, सो भाई स्वागत है आप सभी का इस ऑसम चैनल पे। सिर्फ ऑसम नहीं, बहुत ही ज्यादा ऑसम, इतना ऑसम कि जाकिर खान भी कह दे यार ये कितनी ऑसम है यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हाँ तो भाई क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं पोकेमोन ओमेगा रूबी। सो देख लेते हैं, गेम स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम चैनल के बारे में आपको इंट्रो दे देता हूँ। सो ये चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज, नया चैनल है। सो सपोर्ट करना और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में शेयर कर देना एंड शो योर लव सपोर्ट। सो बात कर लेते हैं चैनल के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोकेमोन की 3DS गेम्स की सीरीज, गेम प्लेज और AMVs बीच बीच में आते रहेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो लेट्स सी पोकेमोन ओमेगा रूबी। जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा पुराना गेम है, लेकिन गाइज इसकी यादें आज भी ताज़ा है, मतलब बहुत साल पहले इसको खेल चुका हूँ। आप लोग में से भी शायद बहुत लोगों ने खेला होगा, बट ये आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। देख सकते हैं आप, ग्राफिक्स तो देख ही रहे होंगे भाई, आज भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो नया चैनल है गाइस, सपोर्ट ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो शेयर कर देना अपने दोस्तों में और फैला दो। ओके सो शुरू हो जा रहा है, तब तक हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन सा मतलब मैं स्टार्टर लेने वाला हूँ। सो गाइज इस सीरीज में मैंने सोचा है कि मैं मडकी प्लूकी की इस ये मतलब ये जो रीजन है इसका फायर टाइप, मुझे मैं नॉर्मली फायर टाइप प्रीफर करता हूँ, बट इसका फायर टाइप मुझे कुछ खास इतना अच्छा नहीं लगता। सो इस बार मैं मडकी प्लेने वाला हूँ। सो बॉय या गर्ल, आई एम अ बॉय एंड माई नेम इज़ एट्रॉक्स। एट्रॉक्स नाम क्यों, ऐसे ही मुझे अच्छा लगा। सो लिख लेते हैं। सो गाइस ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा मैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 15-20 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इससे ज़्यादा फिर देखने में बोर आने लगता है। सो हमारी वीडियोज़ कुछ 15-16 मिनट या उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 20 मिनट तक रहेगी, भले एपिसोड थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे चलेगा। सो वी आर एट रॉक्स। ओके सो ये ज्ञान दे, आर यू रेडी? यस वी आर एवर रेडी। ओके यार ये इसका एनिमेशन थोड़ा लैग मार रहा है, मेरे लैपटॉप में थोड़ा लो एंड लैपटॉप है, कोई बात नहीं बट हम एडजस्ट कर लेंगे। सो वो देख रहे हो गाइस, बहुत सही लग रहा है एनिमेशन। ओके हम आ गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़े शहर में जिसमें केवल 3 घर है। ठीक है, दिस इज़ आर मॉम। सो अब हम जाएंगे अपने घर में और हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। तो वेट किस बात का है दोस्तों, जाके सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, और हमारा चैनल कह सकते हो। ओके सो सब्सक्राइब कर लो पोके स्टिंग को ऐसे ऑसम कंटेंट देखने के लिए। ओके सो यहाँ पे पोकेमोन से काम करवाया जा रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों कैसी पोकेमोन मजदूरी यहाँ पे करवाई जा रही है, ये बहुत बुरा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हम सब आपको मिलके। सो कमेंट में ढेर सारे आवाज़ उठाइए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, स्टॉप पोकेमोन लेबर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम टेबल चेक कर लेते हैं, तो कुछ होगा प्रोग्रेस यहीं से बढ़ता है। ओके घड़ी में होगा पक्का, हाँ सो घड़ी का टाइम सेट कर देते हैं। ओ हे मॉम, एवरीथिंग इज पुट नाइसली। अब हमें नीचे जाना है। सो ये फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, तब तक सब्सक्राइब कर लो यार, नया चैनल है, सपोर्ट दिखाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक और बार रिक्वेस्ट है। ओके सो टीवी पे हमारे आ रहे हैं हमारे पिताजी। ओके प्रोफेसर पिर्च, अब हमें जर्नी थोड़ी आगे बढ़ेगी। सब फालतू की चीज़ें गाइज, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, पहला वीडियो है। सो आई होप यू विल ऑल कोऑपरेट विद मी, और
चैनल को, साथ में गेम्स खेलेंगे भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ए बोलना आंटी आऊँ क्या? ओके सो आंटी, आंटी सीधा अपने बेटी से मिलने भेज रही है। ओके सो डोंट बी सो एडल्ट, ज़्यादा एडल्ट नहीं होना है। कोई बात नहीं। ओह सो ये क्या कर रही है? टाइम पास, पिघलना नहीं है लॉन्डो, पिघलना नहीं है, शक्ति कायम रखना। ओके सो शी इज मे, और ये हमारी अपोनेंट रहेगी जहाँ तक मुझे मालूम है। गेम वालों को कौन बताए कि ऐसी लड़कियों को अपोनेंट नहीं बनाया जाता है? दिस आर ऑल वाइफ मटेरियल। ओके कोई बात नहीं। सो अब हमें जाना है कहाँ पे नहीं मालूम। सो तीन ही कह रहे हैं, तीनों घर में जाके देख लेते हैं, अब लैब बचा है बस। सो गाइस पोकेमॉन स्टार्टर मडकीप लेने वाला हूँ। आप बताइए आपको कौन सा स्टार्टर पसंद है, कमेंट करके ज़रूर से बताना आपकी फेवरेट स्टार्टर, और टॉप 6 पोकेमॉन आप कौन सा देखना चाहते हो इस सीरीज़ में वो भी कमेंट करना मत भूलना। ओके सो ये अब हमें जाना है रूट पे। ये वही वाला, अभी वो कहीं फंसा होगा। ओ भाई ग्राफिक्स आज भी बहुत ज़्यादा सही लग रहे हैं यार, मतलब अच्छा है। कितना बहुत बहुत साल पुराना गेम है भाई ये, कम से कम आठ साल जितना तो लगभग हो गया होगा, छः सात साल पहले तो लगभग मैंने खेला हुआ है। सो बहुत ज़्यादा पुराना गेम है, आज भी लेकिन बहुत सही लग रही है इसकी ग्राफिक्स, मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। सो वी विल चूज मडकिप, क्या बोलते हो लॉन्डो? ले लिया है मडकिप। सो चलो यार थोड़ा कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। आई नो आई एम वेरी गुड सिंगर, अब कमेंट में लिखने मत लगना भाई बहुत अच्छा गाते हो। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके अच्छा लगा हो तो कर देना कमेंट, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानूंगा मैं। सो अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली मतलब एक दो दिन के गैप में आते रहेंगी वीडियोस गेम प्लेज की और बीच में AMVs। सो सब्सक्राइब कर लेना, इसकी ऑसमनेस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कितना ज़्यादा ऑसम है हमारा चैनल। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसकी मैंने जान बचा ली है। चल थैंक यू नहीं चलेगा। ओके सो अब ये लैब में बुला रहा है, वाह। सो हियर वी आर इन लैब ऑटोमेटिकली। सो ओके फालतू की बात है। सो हमें मिल गया है मडकिप, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, मडकिप हमारा हो चुका है। नहीं देना है भाई निकनेम, छोड़ो निकनेम देने में बहुत टाइम जाता है, फालतू कोई काम का नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। चल भाई अबे ज्ञानू ज्ञानी, ज़्यादा ज्ञान मत पेल, पोकेमॉन दे दिया, चल अब निकल। ओ ये तो कुछ राइम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पोके नैव मिल गया है हमें, एरिया का मैप अच्छा है, स्टार्टिंग से मैप मिल गया। सो लेट्स मूव गाइस, अब हमें जाना है मॉम के घर पे, हील करवा लेते हैं हम ताकि आगे की जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना हो। रूट में जो है वो गई हुई है रूट 103 पे। सो वहाँ पहुँचो गाइस, मैं आता हूँ। ओके देख लेते हैं इन घासियों में कौन से पोकेमॉन्स हैं, स्टार्टिंग में तो बग टाइप ही मिलेंगे, कोई खास नहीं मिलेंगे। तो गाइज ये भी बताना मुझे कि कौन से टॉप 6 पोकेमॉन्स मैं पकड़ूं, और ख़ास करके मुझे एक जो है क्या बोलते हैं उसको उड़ने वाला, हाँ फ्लाइंग टाइप्स ज़रूर से सजेस्ट करना, क्योंकि फ्लाइंग टाइप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता हूँ कि मतलब कौन सा लू, ये क्या बोलते हैं अपना फेमस कौन सा है, पिज्जी, हाँ पिज्जी, मुझे हर बार पिज्जी लेते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ गिने चुने ही एयर टाइप लेते हैं। सो ज़रूर से सजेस्ट करना कि कौन सा एयर टाइप पोकेमॉन आप देखना चाहते हैं इस सीरीज में। सो आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे क्या है देख लेते चारों तरफ देख के। अब मुझे भी इतना रास्ता तो याद नहीं है और ये मैं डायरेक्ट लाइव कर रहा हूँ, लाइव मतलब लाइव खेल रहा हूँ, लाइव डबिंग कर रहा हूँ। सो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी अगर, कोई बात नहीं देख लेंगे, मज़ा आएगा। सो गाइज अभी तक टिके हुए हो मतलब आपको मुझसे प्यार हो चुका है सो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब वैसा वाला प्यार नहीं लेकिन सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। सो लेट्स गो टू रूट 103। कहाँ पे है भाई यार? ऊपर ऊपर। ओ डेबल टाउन, ये कौन है भाई? है दैप, ये पोकेमार्ट पे काम करते हैं। ओके सो हम ट्रेनर हैं। इन लोगों को यार देखते कैसे पता चल जाता है तुम एक ट्रेनर हो? अब मालूम है, ज़्यादा सेंसिबल नहीं साउंड करूँगा कि ये गेम है भाई, ऐसा वैसा मत बोलने लगना, ये तो मुझे भी मालूम है बट मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ। सो ये फालतू का ज्ञान दे रहा है। ओके ये नोटिफिकेशन क्या है? कोई बात नहीं, फक यू मनी। ओ तो दिस इज पोकेमार्ट यार, ये बहुत ज़्यादा फालतू टाइम पास कर रहा है हमारा। चल भाई चल, पोशन तो मिला। ओके इतने टाइम का थोड़ा फ़ायदा हुआ, पोशन मिला है हमें। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। सो अब मैं अंदर देख लेता हूँ कैसा है इसका पोकेमोन सेंटर। अच्छा ठीक है छोड़ो, अंदर क्या जाना है, कुछ खरीदूँ क्या? नहीं अंदर देख लेते पहले एक मिनट कैसा है, मतलब कुछ पोकेमोन सेंटर के अंदर तो नहीं है ना कुछ, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लगा मुझे, सिंपल सा था। सो आगे जाना है हमें शायद सीधा। सो एंड आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू हर। सो विंगुल कैसा रहेगा? विंगल जो भी बोलते हो, जो भी प्रोनाउंस करते हो, विंगल यार एक वाटर टाइप पोकेमोन है और फ्लाइंग टाइप है, तो ये भी मुझे पसंद नहीं है तो ये रिकमेंड मत करना। कमेंट में कोई अच्छा सा फ्लाइंग टाइप पोकेमोन रिकमेंड करना। ओके यार थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, दो दो लेवल के हैं, मतलब ये फर्स्ट टीम में तो काम आएगा बहुत ज़्यादा, इसकी लेवल बढ़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा। वैसे भी बग टाइप पोकेमोन मिलेंगे पहले, नहीं बग टाइप नहीं मिल, देखते कौन सा मिलता है। प्रेस सर्कल पैड स्लोली टू स्नीक क्लोज टू पोकेमोन, ये क्या बता रहा है भाई? सो अब आगे बढ़ते हैं। सो वो रही वही है ऊपर ऊपर। हाँ हे मई पुट योर हैंड्स ऑन माय शोल्डर। वाओ सो ये अब हमारी बैटल, पहला बैटल होने जा रहा है गाइस। इसके पास होगा ट्रिको, आई नो इन लोग भाई मेरे कमेंट बॉक्स में माफ कर दो मुझे। ओके कोई बात नहीं, वाटर गन तो काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, तो टैकल में टैकल मारते हैं। वाओ एनिमेशन भी सही है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं बहुत अच्छा फील आ रहा है इसको देख के। आप लोग को भी मज़ा ही आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा है तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दो, मतलब एक बार फिर से तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते बट सब्सक्राइब कर दो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ ऐसा। सो तो गाइस बस अब इतने देर तक आप रुके रहे, बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद जो भी बोलते हो आप। सो बहुत ज़्यादा थैंक यू, दो मिनट की वीडियो और होगी, ख़त्म कर लो और शेयर कर दो गाइस, फैला दो इस वीडियो को और ढेर सारा प्यार कमेंट के अंदर दिखाना। सो आर मडगी प्री टू लेवल 7 और इसको हमने हरा दिया है। इट वॉज गुड बैटल, लेट्स मी हील अप क्विकली। सो अब हमारे पोकेमोन हील हो गए, ही एक ही है मतलब हील हो गया है। ओके सो
वाह। सो अब हमें जाना है शायद लैब में, या क्या बोलते हो गाइस, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। सो अगले वीडियो से कंटिन्यू करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करूंगा गाइस, यहीं से, हाँ मतलब यहीं से जो भी हो यहीं से। सो यहीं से कंटिन्यू करेंगे गाइस वीडियो को, अगला पार्ट टू। सो तब तक के लिए अलविदा, सी ये, एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना इस ऑसम से चैनल को। इसकी ऑसमनेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, बहुत ज़्यादा ऑसम है गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके सो गुड बाय।